दोस्तों, भूतिया हॉस्टल की पहले पार्ट की कहानी में आपने सुना कि कैसे प्रिया के अंदर एक आत्मा घुस जाती है और तांत्रिक उसे बचाने की कोशिश करता है, किंतु तांत्रिक इतना डर जाता है उस आत्मा को देखने के बाद कि वो यहाँ से जाना ही मुनाजिर समझता है। तांत्रिक यहाँ पर समझ जाता है कि वह आत्मा बहुत ही ज़्यादा दुष्ट और शक्तिशाली है, जिसको प्रिया ने वश में कर लिया है। तांत्रिक यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो आइए अब जानते हैं आगे की कहानी। तांत्रिक से वह आत्मा साफ साफ कह देती है कि तुम मेरे ऊपर कुछ नहीं कर सकते, अभी तुम बच्चे हो। तांत्रिक यहाँ पर कहता है कि तुम क्या चाहती हो, इस लड़की को छोड़ दो। तभी वह आत्मा कहती है कि मैं तो यहाँ पर बदला लेने आई हूँ। एक दिन इसी कॉलेज की कुछ लड़कियों ने रैगिंग करके मुझे बाथरूम में गला दबाकर मुझे मार डाला था। उस वक्त मैं नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी, किंतु उन चारों लड़कियों ने मुझ पर रहम नहीं खाया था, इसलिए मैं इन चारों लड़कियों पर भी रहम नहीं खाऊंगी। इन लड़कियों ने ही मुझे जगाया है। तांत्रिक कह देता है कि ठीक है, उस समय तुम्हारे साथ वो घटना हुई थी, मैं शर्मिंदा हूँ, किंतु ये लड़कियाँ निर्दोष हैं, इन्हें छोड़ दो, इन्होंने तुम्हें क्या बिगाड़ा है। तभी प्रिया कहती है कि नहीं, मैं इनको माफ़ नहीं करूंगी, क्योंकि ये लड़कियां खुद ही मुझे अपने साथ लेकर आई हैं। इतना कहकर वह भयानक आत्मा प्रिया के शरीर से बाहर निकल जाती है और तांत्रिक के पास आकर अपने हाथों से उसका गला पकड़ लेती है। तांत्रिक को अपने हाथ से वह एक हवा में उठाकर उसे धकेल देती है और कहती है कि यदि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जा, ये तेरे तंत्र मंत्र मुझ पर नहीं चलेंगे। हंसते हुए तांत्रिक कुछ किलोमीटर दूर ज़मीन पर जाकर पटक दिया जाता है। तांत्रिक बिल्कुल हैरान और डरा हुआ होता है। आखिरकार उसने इतनी बुरी आत्मा इससे पहले कभी नहीं देखी थी, जो कि तांत्रिक ने आज देखी थी। तांत्रिक तुरंत उठता है और भागता है। भागते हुए वह सबसे कह देता है कि यह प्रेत आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी, यदि अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस हॉस्टल को छोड़कर तुम लोग चले जाओ। वे सभी लोग डर जाती हैं और वार्डन भी डर जाता है। तभी वार्डन सभी लड़कियों को कमरे में जाने के लिए कहता है। उन चार लड़कियों की तो हिम्मत ही नहीं होती है अपने कमरे में जाने की। उनके दिमाग में उस प्रेतनी और तांत्रिक की बातें दिमाग में आती रहती हैं। तभी चारों लड़कियां अपने कमरे में आकर सभी अपने घर वालों को फ़ोन करती हैं और शाम तक उनको अपने घर वापस ले जाने के लिए कह देती हैं। बारी बारी से सभी लड़कियों के परिवार वाले आकर उन चारों लड़कियों को घर में ले जाते हैं। तकरीबन 3 हफ्ते ही गुजरे थे कि सबकी हालत ख़राब थी, किंतु प्रिया की हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब थी। वो हॉस्टल की सभी लड़कियाँ या तो दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर गई थी या फिर कुछ लड़कियां तो हॉस्टल को ही छोड़कर चली गई थी, किंतु ये चार लड़कियां अपने घर ही वापस आ जाती हैं। रातों रात प्रिया के साथ और भी हादसे हो रहे थे। सभी लड़कियां डरी हुई थी, किंतु प्रिया की हालत सबसे ज़्यादा डरावनी थी। वह जैसे ही आंखें बंद करती थी, भयानक चेहरा उसके सामने आ जाता था। वो अनेकों तकलीफ़ों से गुजर रही थी, घंटों घंटों तक बेहोश रहती थी। वो अक्सर कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती थी और कुछ देखती रहती थी, किंतु किसी से भी बोलती नहीं थी। वो अक्सर रात को चिल्लाया भी करती थी, जिसकी वजह से उसके पिता परेशान हो जाते थे। उसके पिता ने एक दिन एक साधु को बुला लिया, जो कि बहुत ज़्यादा विद्वान थे। वो प्रिया को देखने के लिए जब घर आए तो प्रिया अजीब तरीके से पेश कर रही थी और उन्होंने उसकी सारी हरकतों को नोटिस करना शुरू कर दिया। तभी साधु प्रिया के पास आकर उसका नाम पूछते हैं तो प्रिया अपना नाम प्रिया बताती है, किंतु साधु को कुछ ठीक नहीं लगता है तो वो उसे एक पानी का गिलास लाने को कह देते हैं। प्रिया पानी तो लाती है, किंतु वह इतना गर्म होता है कि वह पिया नहीं जा सकता, जिसकी वजह से साधु समझ जाते हैं कि प्रिया अभी भी किसी आत्मा के वश में है। तभी वह उसके पिता को सारी बात समझा देते हैं कि हमें कोई अनुष्ठान करना होगा और पता कराना होगा कि यह आत्मा या प्रेत क्या चाहती है और इसने क्यों इसे पकड़ रखा है। तभी साधु प्रिया के पिता को 3 दिन का समय देते हैं और अनुष्ठान की तैयारी करने को कह देते हैं। अनुष्ठान में प्रिया के पिता को कुछ सामग्री एकत्रित करनी होती है, जैसे कि सिंदूर, नारियल, सुई, मटका, हल्दी और कुछ बूटियां भी। साधु वहां से चले जाते हैं। उसी रात ठीक 2:30 बजे प्रिया अपने बिस्तर से उठकर कमरे की छत पर चली जाती है, जहाँ पर वह उस घर की छत पर कूदने वाली होती है कि प्रिया के पिता उसे पीछे से खींच लेते हैं। किंतु जब वह उसका चेहरा देखते हैं तो वह दंग रह जाते हैं, क्योंकि प्रिया का चेहरा
प्रिया का नहीं था, एक प्रेतनी का था, जिसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और चेहरे पर बहुत सारे निशान थे, जैसे कि खून बह रहा हो। उसके पिता डर जाते हैं, किंतु प्रिया मुस्कुराती है और अजीब सी आवाज़ में हंसते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगा कि क्या तुम अपनी बेटी को बचा लोगे? तुम्हारी बेटी को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इसको मरना होगा, इसको मैं आज ही मार डालूंगी। अगर हो सके तो इसे बचा लेना। किंतु वह प्रेतनी अचानक से ही प्रिया के शरीर से निकलकर हवा से गायब हो जाती है और प्रिया बेसुध होकर ज़मीन पर गिर जाती है। तभी प्रिया के पिता घर वालों को चिल्ला चिल्लाकर इकट्ठा कर लेते हैं। अगले ही दिन वे साधु को बुलाकर सारी बात को बता देते हैं तो साधु को लगता है कि वह हवन आज ही करना होगा। वे सारे अनुष्ठान को उसके पिता को समझा देते हैं और ठीक रात के 11 बजे अनुष्ठान शुरू कर दिया जाता है। तब साधु पूरे घर वालों को कहते हैं कि सभी खिड़कियों और दरवाज़ों को खोल दो और सभी लोग इस स्थान पर आकर बैठ जाओ। तभी साधु एक तंत्र मंत्र की विद्या शुरू कर देता है और एक सामग्री को लेकर लाल सिंदूर से लाल घेरा बना देता है। तब वह अग्नि कुंड में एक अग्नि प्रज्वलित करके एक देवी को बुलाता है और देवी को अपने अंदर आने को कहता है। थोड़ी देर बाद साधु ने, जो कि एक देवी को धारण कर चुका था, उसने 3 बार प्रिया का नाम लेकर उसे पुकारा, प्रिया प्रिया प्रिया। नाम सुनते ही प्रिया पायल की छन छन की आवाज़ करते हुए छत से आती है। वह सीढ़ियों से रेंगते और गिरते हुए हवन की ओर आ रही थी और अपने सिर को दीवारों पर मारने लगती है। इसकी वजह से घर वाले डर जाते हैं। प्रिया के अंदर से अजीब सी आवाज़ आ रही थी। तभी साधु उस देवी की आवाज़ में प्रिया को बैठने के लिए कह देता है तो प्रिया के पिता रोते हुए उस स्थान पर वही बैठकर ये सब नज़ारा देख रहे थे, क्योंकि प्रिया अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। साधु ने प्रिया को गोले में आने को जैसे ही बैठने को कहा, वह दुष्ट प्रेतनी प्रिया को, जिसने अपने वश में कर रखा था, वह शारीरिक वेदना देना शुरू कर देती है ताकि घर के लोग इस तंत्र मंत्र को रोक दें। किंतु घर वाले उसके इस हालात को देखकर और भी ज़्यादा रो रहे थे। तभी प्रिया अपने शरीर को पूरी तरह से घुमा लेती है, जिसकी वजह से हड्डियों के टूटने की आवाज़ आती है। प्रिया के पिता और माता दोनों ही चिल्ला चिल्लाकर रोने लग जाते हैं। तभी प्रिया अपने मुंह से मास्क की उल्टी कर देती है। सभी घर के लोग इस दृश्य को देखकर जोर जोर से और भी रोने लग जाते हैं। प्रिया भागकर दरवाजे की ओर जाती है, किंतु जैसे ही वह कदम बाहर निकालने की कोशिश करती है, तभी हवा में उड़कर वह बिल्कुल साधु के पास आकर गिर जाती है। तभी साधु स्त्री की आवाज़ निकालकर कुछ मंत्रों का उच्चारण तेजी से करता है और प्रिया के ऊपर हाथ रख देता है। जैसे ही वह हाथ रखता है, वह आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। तभी वह आत्मा कहती है कि मुझे जाने दो। किंतु यहाँ पर साधु कहता है कि जब तक तुम इस गोले में नहीं बैठोगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तभी वह आत्मा गोले में आकर बैठ जाती है, किंतु वह साफ साफ सारी बातें करने लग जाती है। साधु अपने स्थान से उठकर प्रिया के पास जाता है और गिड़गिड़ाते हुए उसके पास प्रिया आ जाती है और दीवार के पास आकर रुक जाती है। तभी साधु के अंदर जो माता भैरवी का रूप दिखाई देता है, उसे देखकर प्रेतनी चिल्लाने लग जाती है और साधु प्रिया के सर पर हाथ रख देती हैं, जिससे प्रेतनी रोते हुए प्रिया का शरीर पूरी तरह से छोड़कर गोले के अंदर आकर दोबारा बैठ जाती है। प्रिया का शरीर छोड़ते हुए प्रेतनी एक काले धुएं में बदल जाती है और फिर एक प्रेतनी साय के रूप में गोले में दिखाई देती है। तभी साधु प्रिया के पिता को एक मंत्रोयुक्त एक जल देते हैं ताकि वे प्रिया को पिला दे, और जिसे पिलाने के बाद प्रिया थोड़ा होश में आ जाती है, क्योंकि जैसे ही आत्मा निकलती है, प्रिया बेहोश हो गई थी। तभी साधु मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रेतनी से कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे कि तुम कौन हो? तभी प्रेतनी कहती है, मैं स्वप्ना हूँ। तभी साधु कहता है कि तुम इस शरीर में क्यों आई थी? तभी प्रेतनी कहती है कि इन लड़कियों ने मुझे जगाया था, इसलिए मैंने इस शरीर को धारण किया है। तभी साधु विस्तार से पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिरकार इन लड़कियों ने क्या किया था? तभी प्रेतनी कहती है कि ये चारों लड़कियां जिस हॉस्टल के कमरे में रहती हैं, मैं भी उस कमरे में रहती थी। ठीक 6 साल पहले कुछ बिगड़ी लड़कियों ने मेरे साथ शारीरिक शोषण किया था और रोज़ ही मुझे मारती पीटती थी। एक रात उन सभी लड़कियों के एक ग्रुप ने आधी रात मुझे ज़बरदस्ती मेरे कपड़े खुलवा कर मेरे साथ शोषण किया और मेरा सारा सामान भी तोड़ दिया। अगले दिन मैंने
सारी शिकायत पुलिस में की, किंतु पुलिस वाले इससे पहले आते उसी रात इन लड़कियों ने मेरा गला दबाकर मुझे मार दिया था और सबको ऐसे दिखाया जैसे कि मेरी आत्महत्या हुई थी। और जब मैं मरी थी मेरे गले में सोने की चैन थी और कुछ खून की बूंदें सोने की चैन पर लगी हुई थी। जब प्रिया ने सोने की चैन धोई थी तो उसकी हाथ पर ये खून के धब्बे लग गए थे जिसकी वजह से मैंने इसका शरीर धारण कर लिया था। तभी प्रिया के साथ साथ वो साधु भी समझ जाता है कि आखिरकार उसके साथ ये सब हादसे क्यों हो रहे थे। इतना सुनकर साधु समझ जाता है कि चेन पर खून लगे होने के कारण ही प्रिया चेन से जुड़ गई थी। तभी साधु एक मटकी लेकर मंत्र का उच्चारण करते हुए उस मटकी में उस आत्मा को आने को कहते हैं तो वह प्रेतनी कहती है कि नहीं मुझे कैद मत करो, मैं तो वैसे ही दुष्ट आत्माओं ने मुझे बहुत ज़्यादा सताया हुआ है, मैं तो बदला लेना आ चाहती थी, इसलिए तुम मुझे हॉस्टल में वापस छोड़ दो, मैं इस लड़की को छोड़ दूंगी। तभी साधु कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें हॉस्टल में वापस छोड़ दूंगा, किंतु तुम्हें इस मटके में आना होगा। तभी वह कुछ मंत्रों का उच्चारण करके उसको इस मटके में बांध देता है और काले कपड़ा बांध कर ऊपर से एक लाल धागा भी बांध देता है ताकि वह इस मटके से बाहर ना निकले। वह पूरी तरह से मंत्रों से इस मटके को बांध देता है। तभी वह प्रिया को एक पुड़िया देता है और कहता है कि इस बूटी को आज रात तुम अपने सिर के नीचे रखकर सो जाना और उन सभी लड़कियां जो कि तुम्हारे अलावा तीन और हैं जो इस हादसे से जुड़ी हुई हैं उनको दो दिन बाद हॉस्टल में आने को कहो। तभी दो दिन के बाद साधु उसी हॉस्टल में चला जाता है और बाकी लड़कियां अपने परिवार वालों के साथ भी वहां पर आई हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। दर्शना साधु के पास आती है और कहती है कि बाबा वह प्रेतनी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, वह रोज़ ही रात को मुझे सोने नहीं देती है, मैं जैसे सोने जाती हूँ मुझे ऐसे लगता है कि जैसे या तो वो मेरे बेड पर लेटी हुई है या फिर मेरे बेड के नीचे है, किंतु जब मैं देखती हूँ तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तभी साधु कहता है कि बेटा तुम चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तभी हॉस्टल का वार्डन वहां आ जाता है और साधु को अनुष्ठान करने को कहता है। थोड़ी देर बाद जब साधु अनुष्ठान शुरू करते हैं तो उसे पता चलता है कि यहां पर तो और भी बहुत सारी आत्माएं हैं। वो सबसे पहले पीजी के उस कमरे में जाकर चेक करते हैं जहाँ पर वह प्रेतनी रह रही थी। वहाँ पर वे उस सोने की चैन को ढूंढकर अपने पास रख लेते हैं। तभी साधु बाहर आकर वार्डन से कहते हैं कि इस कमरे के पूरी बिल्डिंग को खाली करवा दो क्योंकि यहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सारी आत्माएँ हैं और बहुत सारी प्रेत भी हैं जो कि पूरे ब्लॉक को वह मंत्रों से उच्चारण करने के बाद इस ब्लॉक को बंद करना चाहते हैं ताकि कोई भी इस कमरे से या इस ब्लॉक से बाहर ना निकल सके। वार्डन इस बात को सुनकर थोड़ी देर बाद हाँ कर देते हैं। उस बिल्डिंग में मात्र 14 ही कमरे थे जिसमें से कई कमरे भूतिया हो चुके थे। सभी लड़कियाँ अपना सामान उठाकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट हो जाती हैं और उसके बाद साधु अपना मंत्र उच्चारण करके उस मटकी को सबसे पहले उसी रूम में रख देते हैं जहाँ पर वह रहना चाहती होती है और उस सोने की चेन को भी उस मटकी के ऊपर रख कर लाल सिंदूर से गोला बनाकर उसको उसी कमरे में बाधित कर देते हैं और उसके बाद मंत्रों से उस कमरे को सिद्ध करके उसको ताला लगवा देते हैं। बाद में बिल्डिंग के सभी कोनों पर सुइयों जैसी कुछ नींबू लगवा कर वे रखवा देते हैं और सभी मेन दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फिर साधु बजरंग बाण मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से बिल्डिंग में आत्माओं के चिल्लाने और रोने की आवाज़ बिल्डिंग के हर कोने से आने लगती है और सामान के गिरने की आवाज़ें भी हर कोने और खिड़कियों से आने लग जाती हैं। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लग जाते हैं। तभी एक हैरान करने वाला दृश्य सामने आ जाता है जब एक स्त्री की आत्मा उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर और के गलियारे में नजर आती है। साधु को देखकर चिल्लाती है किंतु मंत्र उच्चारण होने के बाद वो आत्मा गायब हो जाती है। तकरीबन 2 घंटे तक मंत्र उच्चारण होने के बाद पूरी बिल्डिंग से आवाज़ आनी बंद हो जाती है और वह प्रेतनी भी अचानक से गायब हो जाती है और सब कुछ साधारण सा हो जाता है। तभी साधु वार्डन को बुलाता है और इस बिल्डिंग के ब्लॉक को दरबार बनाकर बंद कराने को कह देता है ताकि कभी भी फ्यूचर में इस बिल्डिंग को खोला ना जा सके। सभी दुष्ट आत्माएं और प्रेत आत्माएं इसके अंदर ही रहें और किसी छात्राओं को परेशान ना करें। वार्डन मान जाता है और वहां पर दीवार बनानी शुरू कर दी जाती है। साधु यह बात बोलकर उन चारों लड़कियों के पास जाते हैं और उनको एक तावीज़ देकर पहनने को कह देते हैं।
सभी को आशीर्वाद देकर वो शिष्यों के साथ चले जाते हैं। किंतु अब कुछ दिन तो सब कुछ सामान्य चलता रहता है। पीजी हॉस्टल की दूसरी छात्राएं भी बताती हैं कि आज भी उस बिल्डिंग से रात को रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। कभी कभी गलियारे से किसी के पायल की छन छन की आवाज़ें आज भी सुनाई देती हैं। कभी कभी तो कोई प्रेतनी उस गलियारे में खड़ी हुई भी दिखाई देती है, किंतु किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचता है। तो दोस्तों, ये थी भूतिया हॉस्टल के आखिरी पार्ट अर्थात दूसरे पार्ट की कहानी। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या आप हमारे चैनल पर भी जाकर भूतिया हॉस्टल के पहले पार्ट की कहानी सुन सकते हैं। तो आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको भी इस तरह की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ।